कल बाप दादा मिलन जो हुआ सभी ने मुरली सुनी ही होगी। उसमें बाबा ने विशेष सबसे पहले अपनी दिल पसंद स्थिति की बात कही। बाबा ने पहले कहा, मुझे सबसे पसंद है संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। फिर बाबा ने कहा, कभी भी अभिमान ना आए। अभिमान आएगा तो अपमान की फीलिंग भी होगी ना। अभिमान आए ना अपमान की फीलिंग आए, आए तो स्वमान की स्मृति आए। फिर कहा, डबल मालिक बन। किस किस चीज का मालिक बनना है? पहले बनना है स्वराज्य का मालिक, दूसरा बाप से प्राप्त सर्व खजानों का मालिक। फिर बाबा ने कहा कि मन चलते चलते बच्चों को धोखा देता है, सबसे ज्यादा विघ्न यही डालता है संपूर्ण बनने में, इसलिए मन की लगाम टाइट रखो। और लगाम है श्रीमत की। श्रीमत की लगाम तभी टाइट रहेगी जब साइड सीन नहीं देखेंगे। उसके बाद बाबा ने कहा, एक स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं भाग्यवान आत्मा। और भाग्यवान आत्मा की स्मृति अगर आपको रहेगी तो आपके चेहरे से जलन से बाप की प्रत्यक्षता बहुत जल्दी हो। अभी तो सुनाना पड़ता है कि हमें ये मिला वो मिला वो मिला। बाबा कहता है, आपको सुनाना क्यों पड़ता है? आपके चेहरे से दिखाई देना चाहिए कि ये बिल्कुल भरपूर है, संपन्न है, इनके पास कोई कमी नहीं है। तो कहां से हुई प्राप्ति? वो जानने की इच्छुक हो, लेकिन ये सुनाने से नहीं होगा। बाबा ने कहा, अनुभव कर। जो बाबा से मिला है हर एक प्राप्ति का आपके चेहरे से अनुभव होगा, तो और भी आपके पास आएंगे, बाप का बनेंगे और वो भी अधिकारी बन जाएंगे वर्षे का। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।